मोनापाने थाना क्षेत्र स्थित दलपतपुर में दवाइयों की दुकान पर ड्रग विभाग द्वारा छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान दवा विक्रेताओं में खलबली मच गई। वहीं टीम ने मौके पर पहुंचकर आवेद दवाई संचालक की दुकान से 50,000 की दवाइयां जब्त की और जुर्माना लगाया है। वहीं सहायक आयुक्त औषधि दीपक शर्मा ने बताया कि सोनू कुमार द्वारा अवैध रूप से दवा की दुकान चलाई जा रही थी, जिसकी सूचना मिलने के बाद मंडल स्तर से टीम गठित की गई। मौके पर पूछताछ के दौरान बिना कोई लाइसेंस प्राप्त किए हुए औषधियां भंडारित पाई गईं। उन्होंने बताया भंडारित दवाओं के कोई भी बिल मौके पर उनके द्वारा नहीं दिखाए गए। साथ ही बताया कि उनके द्वारा फिजियोथेरेपी का कोर्स किया गया है, साथ ही दवाओं का उपयोग चिकित्सा कार्य में भी किया जा रहा था। दुकान से सभी एलोपैथिक औषधियों को कब्जे में लिया गया है। इसकी कीमत लगभग 50,000 है। वहीं मौके पर 5 प्रकार की औषधियों के नमूने भरे गए, जिनको जांच के लिए राजकीय विश्लेषक को प्रेषित किया जा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? दीपक शर्मा, सहायक आयुक्त औषधि मुरादाबाद मंडल मुरादाबाद। सर, ये आज जो छापामारी हुई है, क्या पूरा मामला है? ऐसा था कि हम लोगों को एक शिकायती पत्र प्राप्त हुआ था आयुक्त महोदय के यहाँ कि एक सोनू कुमार करके शख्स जो है वो थाना मुना पांडे के अंतर्गत वीरपुर थान गांव में एक अवैध मेडिकल स्टोर का संचालन कर रहा है, जिसका उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है। उसकी जांच पड़ताल करने हेतु एक हमने टीम गठित की है, जिसमें श्रीमती उर्मिला वर्मा ड्रग इंस्पेक्टर मुरादाबाद और श्री मुकेश जैन ड्रग इंस्पेक्टर मुरादाबाद, हम लोगों ने वहाँ मौके पर जाकर छापा मारा तो वहाँ पर जो है अवैध औषधियाँ मिली हैं पुलिस बल के साथ, थाना मुना पांडे की पुलिस बल थी, और अब उनको सीजर की कार्रवाई हो रही है और समस्त माल सीज करके उनके नमूने लिए जा रहे हैं। मौके पर संबंधित के खिलाफ माननीय न्यायालय में परवाद दाखिल किया जाए। सर, क्या किसी नाम से थी क्या? नहीं, नाम नहीं था कुछ। वो तो हम लोगों ने जाके वहाँ जानकारी करी, उसकी दुकान को खुलवाया, वो वहीं घर पे था और दुकान पे उसको उसने तब आपको डॉक्टर जिस जो डॉक्टर था वो नहीं डॉक्टर नहीं है वो है भी हम लोग के उसमें है, क्योंकि अभी तो सब कार्रवाई में उसके दस्तखत होंगे। क्या कार्रवाई होगी? कार्रवाई सीज किया जा रहा है, जो दवाइयाँ हैं अवैध जिनका बिल नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो उनको सीज करा जा रहा है और वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है और उसमें से नमूने लिए जाते हैं। टीम फिलहाल बिना लाइसेंस दुकान संचालित करने पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया है, उनके विरुद्ध कार्यवाही भी की जाएगी।